नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कबूतरों के किले के बारे में कि कबूतरों को जब तीली निकलती है तो उनको नहलाना सही है या गलत। लास्ट तक वीडियो को देखिए और तुरंत सब्सक्राइब करें अभी के अभी। नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज आपके लेके आए हैं न्यू कंटेंट कि कैसे किया जाए कबूतर की पहचान। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो बनी रहिएगा, आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि किस तरीके के कबूतर को आप नहला सकते हैं परपटाई करने के बाद में और किसको आप नहीं नहला सकते। तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि आपने आज परपटाई करनी है तो आप आज से एक या दो दिन पहले कबूतर को नहान दे दें। ठीक है, आपने नहान दे दिया और उसके बाद 10 दिन का गैप रख लें पूरा कि 10 दिन बाद मुझे पर पटाई के 10 दिन बाद इसको नहलाना है। तब तक उस कबूतर की कलियां काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाएंगी, कच्ची कली नहीं होगी। कच्ची कली इन द सेंस जो खून की बिल्कुल एक तीली निकलती है, जब तक वो तीली है तब तक डैमेज होने की आशंकाएँ पूरी हैं कि वो डैमेज हो सकती है, उसमें पानी चला जाए तो वो ख़राब हो सकती है कली वो। ठीक है, और जब वो कली फूट जाए ऊपर से और फूल निकल आए बाहर, जो पर था वो फूल की तरह बाहर निकल आए, तो उसके बाद में चांसेस कम हो जाते हैं कली के ख़राब होने के। ठीक है, उसके बाद भी चांसेस कम रहते हैं जब कबूतर के दड़बे में पर्चिस वगैरह लगी होती हैं या ऐसी कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है जिससे कि कबूतर की कली टूट जाए या हिल जाए तो वो डैमेज हो सकती है, हो सकता है टूट भी सकती है वो। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना कि पर पटाई के बाद में कबूतर को नहान देना ही नहीं चाहिए, तो वहाँ पे मैं उनको गलत कहना चाहूँगा कि लेकिन नहीं, क्योंकि छोटी सी बात सोचिए, अगर आप भी एक या दो दिन ना नहाएं तो उसके बाद में क्या होगा, आप खुद बीमार फील करेंगे कि हाँ यार बीमारी सी महसूस हो रही है, एक आलस सा लग रहा है। तो कम से कम अपने उड़ने वाले कबूतरों को 10 दिन में एक बार ज़रूर नहलाएं ताकि उनके अंदर एक तंदुरुस्ती कायम रहे, एक एनर्जी रहे, स्वस्थ रहे हर तरीके से। तो बाजी की तैयारियां चल रही हैं भाई, तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इसी तरह की अपडेट्स आपको लाइफ टाइम मिलती रहें। रिंग आइकन ज़रूर दबाएं, ऊपर जो घंटे का निशान है उसे ऑल पे कर दें। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोज़ आपको लगातार हम बना करके देते रहेंगे और मेन चीज़ यही थी। बाकी आपको एक कबूतर ला के दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कच्ची कली और पक्की कली में कितना अंतर होता है। ठीक है, वेट कीजिए। तो दोस्तों कबूतर लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। कबूतर जो है वो देखे, ये है क्वालिटी, देख के बताइएगा कबूतर की क्वालिटी क्या कहती है। ये अपने घर का बच्चा है, रिंग नंबर 66, जैसे कि रिंग आपको दिख रही होगी, रिंग डली हुई है। लगभग हर बच्चे के पैर में आपको रिंग दिखेगी क्योंकि जो अपने घर की ब्रीड है, जिसके पैर में रिंग नहीं है तो अपने घर की ब्रीड नहीं है। तो ये अपना जो है ये मलवई बच्चा है, अपने मलवई जोड़ा जो कोहिनूर है अपने पास में उसका बच्चा है। ठीक है, तो बिल्कुल लाल सिंदूरी पलकों में ये बच्चे निकलते हैं अपने पास में, क्योंकि इनका बाप भी लाल सिंदूरी पलकों में है, हजार वालों में से। पल्ले का शौक करें आप, मतलब हर चीज बहुत बढ़िया, दरमियाना वजूद जैसे कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर एक बॉडी शेप, छोटी बॉडी शेप का बच्चा जो है, लगभग तीसरी गली बच्चा है ये, अभी तीसरी गली पे लेके आ रहा है, दूसरी आधी लेके आ चुका है, आधी से ज़्यादा, और तीसरी आ रही है। ये देखें आप, अभी आपको लाल एक लाल तीली दिखाई दे रही होगी सामने वीडियो में। तो इस कली के लिए, इस तीली के लिए हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए, तो कोशिश कीजिए आप ऐसे कबूतरों को रोक लें जिनके पर अभी अभी उगे हैं या हॉलो हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए आप काम करें ताकि आपके कबूतरों में दिक्कत ना आए। और नहलाएं कब, साइड की कली देखिए, कच्ची कली उगती हुई दिख रही होगी आपको, तो वो कच्ची कली जो है इसी लाल तीली वाले के बगल वाली, उससे मतलब पहले वाली, तो वो फूल जो है वो फूट चुका है और पर बाहर निकल चुका है, तो उसके बाद डैमेज होने की जो संभावनाएं हैं वो शून्य रहती हैं। तो इस तरीके से आप अपने कबूतर को मोनेटाइज कर सकते हैं और वहम में मत पड़िए कि कबूतरों नहान देना ही नहीं है। काले भसुंडे कबूतर कर रखे हैं, काले
कोई फायदा नहीं है उसका। गंदे कुचैले कबूतर कर दिए आपने, साफ सुथरे रखो, अपने आप भी साफ सुथरा रहो और कबूतरों को भी साफ सुथरा रखें आप, ठीक है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे उस्ताद सोहेल खान साहब, जिनके आभारी हम जिंदगी भर रहेंगे कि उन्होंने काफ़ी कुछ, थोड़ी सी समय में काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। और आगे जो बाजियों की तैयारी हो रही है वो भी हमारे उस्ताद सोहेल खान साहब, उन्होंने ही सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि अमन भाई सबको बांटें आप, ताकि हर भाई का भला हो सके। उन उस्तादों की तरह नहीं जो बांटने के लिए मना करते हैं या आपको आपके बच्चों तक की कसम खिलवाते हैं, उनकी तरह नहीं, सबको बांटें, सबका भला करें, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर ज्वाइन करना भी चाहता हो पार्टी को तो ऑलमोस्ट फ्री है, मिठाई का पैसा तक नहीं लगेगा, बाकी के तो दूर की बात है, मिठाई का पैसा तक नहीं लगेगा, सिर्फ एक वीडियो कॉल पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंटों से भर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोस और बाजियों की तैयारी आप लाइफ टाइम देखने को मिल सके। और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है, कबूतरों की और डॉगीज़ की और गायें वगैरह की भी, साथ साथ में बीच बीच में डालते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, बाय बाय।